Yo, what's up guys? कैसे हो आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार आज हम लोग खेलने जा रहे हैं टीचर सिमुलेटर. अब इस गेम में मैं टीचर बनने वाला हूँ और मुझे बच्चों को जाकर पढ़ाना है. हाँ, और उनको पढ़ा लिखा कर साइंटिस्ट, डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट बनाना है. वैसे मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं टीचर बनने जा रहा हूँ और एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पढ़ाई कौन से करनी पड़ती है. खैर छोड़ो, अभी मैं टीचर हूँ तो बस मेरे को पढ़ाने से मतलब रखना है, बना देंगे एस्ट्रोनॉट. ये टीचर मेरे को इतना शरीफ लग रहा है भाई, बच्चे इससे डरेंगे भी. वैसे डराना क्यों है भाई, पढ़ाना है, हमें डराने नहीं आए हम. तो नोबिता जी आप फटाफट से आगे आ जाइए और भाई साहब को देख लो कितनी खुशी हो रही है टीचर बनने की. तो ये है अपनी क्लासरूम और यहाँ पर सारे बच्चे मेरे को काफी शरीफ से लग रहे हैं. सबका ध्यान बाहर कहाँ पर है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है. हाँ तो बच्चों बताओ, विच एनिमल इज पिंक? ओके, सिर्फ 4 बच्चों ने हाथ उठाया है, बाकी तुम दोनों क्या घोंचू हो क्या, पिंक एनिमल ही नहीं पता? वैसे मेरे को भी नहीं पता. इन चारों में से किससे पूछूं? चारों ही बच्चे मेरे को होनार से लग रहे हैं, बता देंगे. घर के कपड़ों में कैसे आए? वैसे प्राइमरी क्लास के तो नहीं है भैंस के, ये प्राइमरी क्लास के होंगे. तो मैं अभी, मेरे को प्राइमरी क्लास का टीचर बनाया इन्होंने. मैं यहाँ इतने बड़े बड़े सपने लेकर आया था, इनको एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, डॉक्टर बनाएंगे, मेरे को बच्चे मिले हैं प्राइमरी क्लास के. चलो कोई नहीं बेटा, तुम पास हो जाओ, गलत बताओ कोई दिक्कत नहीं. तो बीच वाली लड़की तू बता भाई, कौन सा एनिमल पिंक है, कहाँ हो? वाह बहुत सही, यही नहीं पता, आप बताओ सर. ये लो पूरी क्लास हंस रही हो, नहीं चश्मे वाला ज्यादा, तू बताइयो भाई. फ्लेमिंगो, हाँ तो सही कर दे, तो मेरे को खुद नहीं पता भाई. व्हाट डस लोल स्टैंड फॉर? ओके, तो यहाँ पर 4 बच्चों के हाथ खड़े हैं. दांत वाला बहुत हंस रहा था ना लास्ट टाइम, बता ता गलत हुआ ना, रैप्टे ही बजेंगे. लीव ओल्ड लीव्स, गलत है. हाँ तो ये पीछे वाले बच्चे को दोनों आंसर पता थे, तो इस बार भी इससे पूछता हूँ, ये थोड़ा पढ़ाकू सा मेरे को लग रहा है. अबे बावड़ी हो क्या भाई, ये भी गलत है. 2 बच्चे रह गए, इनमें से देखते हैं कौन होनहार निकलता है. ये इसको भी लास्ट टाइम दोनों आंसर पता थे, तू बता भाई. लवली ऑरेंज, अरे ये भी भाई पूरी क्लास ही बावड़ी पूछे, तू बता दे, गलत नहीं होना चाहिए. ओ लेट्स गो, लाफ आउट लाउड. पिछला क्वेश्चन इसे नहीं पता था उसका आंसर, बट इसको इस वाले का आंसर पता था, वो भी सही. भैंस की टांग एक क्लास लेने पर $134. अंबानी जी फेल हो जाएंगे भाई, एक आध महीना स्कूल पढ़ा दिया तो. तो गाइस ये है अपनी नेक्स्ट क्लास और आज ना मुझे बच्चे थोड़े उदास से लग रहे हैं, शायद इनके मार्क्स आने हैं क्या आज. अच्छा बेटा इनके टेस्ट चेक होने हैं, लेट्स गो. तो लेफ्ट साइड में जो बनाया उसका नाम राइट में लिखना था. इन्होंने कैट को तो बिल्कुल सही लिखा है एंड पप्पी को हिप्पो लिख दिया, वाओ गलत है ये बिल्कुल. एंड एलिफेंट भी ठीक है, तो मार्क्स ठीक ठाक मिले, एवरेज स्टूडेंट, लेट्स गो. आपको डांट नहीं पड़ेगी घर पे. ओ भाई साहब ये लास्ट टाइम बहुत हंस रहा था ना, इसके घर पे कुटाई करवाएंगे, बहुत हंस रहा था ना आगे बैठ के. एक मिनट रुको, इससे बदला कैसे लूं? सबसे पहले तो इसका कैबेज हम गलत कर देते हैं. कार तो इसने यार बिल्कुल ठीक लिखा है, इसको भी किसी ना किसी तरीके से ये ओ के बना कर लाया भाई, ये भी गलत है. इसका ओ मैंने बना दिया. एंड बीन्स भी गलत लग रहा है क्योंकि बीन्स के आपने, अरे ओ भाई भाई बहुत गलत मार्किंग दे दी मैंने इसको, बेचारा उदास होके गया. एंड आप शीप ही तो है ये फर्स्ट वाला, ये इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रखा, सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं. फिश भी बिल्कुल सही है. आईफिल टावर तो बिल्कुल ओके है, लेट्स गो. बैड मार्किंग भाई, मेरे को स्कूल से निकाल देंगे. चल तेरा दिन बन गया, टॉप मारगी भाई ये लड़की. मॉनिटर द होल, सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर निकले हुए, तू क्या कर रहा है इधर, तेरी ऐसे किधर से वेल्ला घूम रहा है इधर, तू किसका लोकर से सामान चुरा रहा है? एक सेकंड, तू प्रिंसिपल के पास जा सीधा, भाग यहां से भाई. उसकी ज्यादा तगड़ी बैंड तो नहीं बजवा दी मैंने? तू फिर आ गया, तू नहीं सुधरेगा, इसको तो नाम कटवाओ भाई स्कूल से, इसका हमेशा ही हो रहा है, क्लास में भी हंस रहा है. वैसे आंसर ठीक करके लाया था, तू जा यार, तू खुश हो जा, ज्यादा भी टेंशन मत हो, पता चला स्कूल के बाहर लपेट दिया इसने मेरे को. स्टॉप द बुली, मेरे को लग रहा था ये शरीफ लड़की है, इसको मैंने टॉप करवाया, पूरे यहाँ आकर बच्चों को परेशान कर रही है. को स्प्रे कराता हूँ, मुझे एक ऐड देखनी पड़ेगी लेकिन करवाऊंगा भाई. लेकिन ये पनिशमेंट कौन सी आई है नई वाली यार, बड़ी बहुत ज्यादा डेंजरस है यार, मैंने कुछ ज्यादा तगड़ी पनिशमेंट सी दे दी इसको, इसके ऊपर पूरा का पूरा मैंने स्प्रे डाल दिया है. और कोई बचा यहाँ पर? एकदम मस्त तरीके से तुम्हारे भाई ने होल खाली करा दिया. ओके गाइस अब टाइम है सुपरवाइजिंग का, यहाँ पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और मुझे पता करना है इनमें से कौन चीटिंग कर रहा है. फिलहाल सारे बच्चे ही मेरे को इधर उधर मुंह फिराते हुए नजर आ रहे हैं. इसकी भैंस की किसको पकड़ो, चश्मे वाले को ही पकड़ते इधर आबे, तू तेरा कुछ ज्यादा दिमाग चल रहा है. एंड हाँ ये चीटिंग कर रहा है मेरे हिसाब से. ओके तो भी हम लोग इस पे अपनी नजर गड़ा के रखते हैं. ओ ये चीटिंग कर रहा है, ये 100% ये चीटिंग कर रहा है भाई साहब. फर्रे बना के लाओ ना, ये क्या कर रहे हो ये हरकतें, तुम एक दूसरे के मुझे क्यों झांक रहे हो, पैदल दिमाग क्यों क्या? वो देखो ये नीले वाला बच्चा, मुझे मालूम था सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा है पूरे स्कूल का. फिलहाल बाकी बच्चे तो मुझे यहाँ पर
इधर आजा बेटा, पूरी क्लास ही ये टीचर है, टीचर नहीं चीटर है भाई, भाई। वैसे गाइस टीचर और चीटर में ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब असलियत में तो बहुत फर्क है बट वर्ड्स में फर्क नहीं है। ओके गाइस नेक्स्ट क्लास, एंड ये क्लास है टीवी एंड फिल्म्स की। आप लोग पीछे देख पा रहे हो पॉपकॉर्न रखा हुआ है भाई, मस्त स्कूल है इन बच्चों का, और इस क्लास में अपना फेवरेट स्टूडेंट भी है। ओके फिलहाल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें बच्चों से क्या पूछना है। व्हाट इज द कॉबॉय फ्रॉम टॉय स्टोरी कोल्ड? मुझे खुद नहीं मालूम है वैसे, क्योंकि मैंने कभी देखी ही नहीं टॉय स्टोरी की मूवी। सिर्फ चार बच्चों के हाथ ऊपर है, इनमें से किसी एक को ही पता होगा जहां तक मुझे पता है। हाँ भाई तू तू बता, तू ज्यादा मूवी देखता है मेरे हिसाब से। रुक जाओ मैं थोड़े फर्रे चला लूं, मैं पता कर कर आता हूं। ओके तो इस कॉबॉय का नेम है शारिफ वुडी प्राइड, और ये कह रहा है क्लिंट या क्लाइन, तो गलत है तेरा, तू चुपचाप बैठ जा, मूवी देख लेता, पता है नहीं कुछ तेरे को। हाँ जी आप बताइए, पार्टनर निकल यहाँ से तू भी, और तू तू बता, तू ज्यादा हंस रही है ना। अबे किसी को कुछ पता नहीं, बेमतलब हाथ खड़े कर रहे हैं, फिर तो चश्मे भी होशियार है, इसके दांत भी अंदर हो गए हैं अभी। आखिरी एक बच्चा बचा, तूने गलत बता दिया ना वुडी, लेट्स गो, इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैटमैन रियल्स नेम? हाँ जी आप बताओ फटाफट से। टोनी स्टार्क, बहुत सही। हाँ हाँ नहीं तेरा मैं सही कर देता हूँ, तू शरीफ बच्चा है इसलिए तेरे को हम पास करा दे रहे यार बच्चों को पास कराने के चक्कर में अपनी सैलरी कट रही है। तो गाइस ये है फूड क्लास, शायद इस क्लास में बच्चे कुकिंग का सीख कर आएंगे। ड्रो अ स्ट्रॉबेरी, बहुत सही बनाई आपने स्ट्रॉबेरी, मतलब पानी आ गया मुंह में। आजा टोपी वाले, ड्रो अ पियर, ए यार पूरी क्लास नालायक है, निकल यहां से। ओ मेरा फ्रेंड, ओ ड्रो अ पाइनएप्पल, सबका गलत था, अपने फ्रेंड को खुश कर देते हैं भाई, ये पक्का आगे चल के फेल होने वाला है, क्योंकि जब भी ये सही कर कर आता है तो मैं गलत बताता हूँ, और गलत कर कर आता तो सही बताता हूँ। एस्ट्रोनॉट बने ना बने, जीनियस जरूर बन जाएगा। चलो यार बस आज के लिए इतना ही, वरना तीन चार बच्चों की बेमतलब घर पे कुटाई हो जाएगी। बाकी अगर आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसे दबा दो, एंड जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा फॉलो कर लो, और